और वेलकम टू द चैनल फ्रॉम लग्जौर। आज पहला दिन है लग्जौर का, तो हम हॉट एयर बलून पे जा रहे हैं सुबह के अभी तकरीबन 4:45 बज रहे हैं। अभी हमारा ब्रेकफास्ट है, उसमें सब इंक्लूडेड है। ये आप ब्रेकफास्ट देख सकते हैं, ये सैलेड, अंडा, फ्राइज, साथ साथ ये चीज़ भी दी गई है। तो सनराइज हॉट एयर बलून टूर है, तो अभी बस थोड़ी देर में, आई थिंक तकरीबन हाफ एन आवर में हम बस चलेंगे, अपनी उड़ान लेंगे। तो बस पहले जल्दी से नाश्ता करें, फिर आपको सब दिखाते हैं। हम लोग इस लोकेशन पे पहुंच गए हैं जहां से हमें हॉट एयर बलून मिलेगा। आप हमारा जो हॉट एयर बलून होगा वो वैली ऑफ किंग्स के थ्रू होता हुआ जाएगा, तो हमें काफ़ी टेंपल्स ऊपर से नज़र आएंगे, इनके विलेजेस, फार्म ट्रीज, इस तरह के जो हैं यहाँ, तो आपको यहाँ पीछे भी नज़र आ सकते हैं, तो ये सब हमें नज़र आएगा। नीचे आप एक कतार देख सकते हैं वाइट वैनों की, वो टूर बसेज जो आपको पहले दिखा रहा था, और ये पूरा वो डेजर्ट एरिया वैली ऑफ द किंग्स का। थोड़ा ऊपर चलते हैं तो फिर और दिखाते हैं। ये अब हम बिल्कुल वैली ऑफ द किंग्स के ऊपर आ गए हैं, और आप साथ ही साथ देख सकते हैं बाकी भी हॉट एयर बलून्स अब उड़ान ले चुके हैं। हम लोग वन ऑफ द फर्स्ट वंस थे, तो हम थोड़ा और ऊपर हैं। जो आपको थोड़े थोड़े होल्स नजर आ रहे हैं, ये रूम्स एंड नोबल्स के। अभी हम 700 मीटर की ऊंचाई पे, आपको उधर दरियाए नील नजर आ रहा होगा। अब हमारा इस तरफ हॉट एयर बलून घुमा दिया गया है ताकि अब हम सनराइज देख सकें जो दरियाए नील के ऊपर से हो रहा है। यार ये बहुत ही स्टनिंग व्यूज़ हैं जो मैं ऐसे एक चीज़ एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, और ये मैं हाईली रेकमेंड करूँगा कि अगर आपके पास मौका मिले तो ये ज़रूर करें। अब हम लैंड करने वाले हैं, तो बस अब उसकी तैयारी हो रही है। अच्छा, यहाँ जो हमारे कैप्टन है वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं वॉकी टॉकी पे लैंडिंग के उससे, क्योंकि ओ यार ये तो हम वापस ऊपर की तरफ थोड़ा जा रहे हैं। ये मुझे भी पता चला, ये शुगर केन की है यहाँ इस तरफ, और जो उस तरफ है दरिया नील के पास वो बनाना की है। देख सकते हैं ये हमें नीचे लाने की कोशिश हो रही है, पकड़ा जा रहा है। हम वापस नीचे उतर चुके हैं, बड़ा मज़ा आया। होपफुली आप लोगों को भी मज़ा आया हो जो मैंने वीडियोस दिखाई, चीज़ें दिखाई। अभी हम यहाँ इनके गांव के एरिया में जहाँ शुगर केन है, तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बड़ा इन्जॉय किया। अभी तक आप देख सकते हैं हॉट एयर बलून अभी भी हवा में उड़ रहे हैं, ये मॉर्निंग वाले अभी तक उड़ रहे हैं। होपफुली आपने भी इन्जॉय किया हो, जो सारे वीडियोस में चीज़ें दिखाई हो। बड़ी खूबसूरत जगह है, बड़ी काम सी और पाकिस्तानी गाँव की तरह थोड़ा सा लग रहा है, तो बड़ा अच्छा है। अब हमारा हॉट एयर बलून के बाद अब इरादा है कार्नक टेंपल पे जाने का। पहले उससे पहले हम चाह रहे हैं कि थोड़ा फ्यूल अप हो जाएं, तो अभी लंच करने आए। इस जगह का नाम है लुकमा, इजिप्शियन फूड है, लेकिन साथ साथ इन्होंने थोड़ी कॉन्टिनेंटल डिशेज़ भी रखी हैं। तो ये आप इनका रेस्टोरेंट थोड़ा सा देख सकते हैं, इसकी डाइनिंग स्पेस बेस्ट है, और होपफुली खाना भी बड़ा मज़ेदार, और रिव्यू तो अच्छे थे। जब आता है तो फिर आपको दिखाते हैं। हमारा खाना आ गया, ये कोफ्ता का सैंडविच, ये एक प्लांट का डिप, ये हुमस, ये चीज़ समोसे इनको कहते हैं, जो चीज़ का समोसा, साथ साथ रोटी, मीट समोसा, सैलेड, और ये एक मिक्स ग्रिल। तो बड़ा ज़बरदस्त खाना लग रहा है। अभी हमारी मैंगो ड्रिंक भी आती रहती है, वो भी आएगी तो वो भी खाते हैं, लेकिन खाने की खुशबू बड़ी ज़बरदस्त आ रही है, तो खा के बताते हैं।
खाना बहुत ही ज़बरदस्त था, मैं ज़रूर आपको रेकमेंड करूँगा लुकमा पे जाने का अगर आप लक्ज़ोर आएँ। और यहाँ आप लक्ज़ोर टेम्पल देख सकते हैं, लेकिन हम जा रहे हैं अभी खानक टेम्पल, जो टेम्पल डेडिकेटेड था इनके डिफरेंट गॉड्स को, और डिफरेंट डिफरेंट फेरोज़ ने इसको ओवर टाइम बिल्ड किया। दोस्तों अब हम खानक टेम्पल पहुँच चुके हैं, यह है यहाँ का, इसको कहते हैं ओपन एयर म्यूज़ियम है एक तरह से, काफ़ी पुराने जो फेरोस थे ये उन सब का एक बिल्टअप है, ये किसी फेरो पे डेडिकेटेड नहीं है, इसमें काफ़ी सारों का मतलब एक चीज़ मिल मिला के जो बनाया जाता है ये उस तरह बनाया गया है। इसकी भी डेट तकरीबन 2000 BC की है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना पुराना है। अंदर भी आपको लेके चलते हैं तो और हिस्ट्री बताते हैं और चीज़ें बताते हैं। इसका टिकट था तकरीबन 430 इजिप्शियन पाउंड, जो तकरीबन बनता है 20 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। साथ ही साथ इसका हमने एक एडिशनल टिकट लिया है, वो एक और टेंपल ऑफ मूथ करके, जिनका एक और गॉड था, उसका टिकट था 120, वो तकरीबन आपका बन जाता है 5-5.5 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, तो आपका 3.5 US डॉलर। तो कुल मिला के आप समझें तकरीबन हमने $25 के पे किए हैं, लेकिन जगह टोटली वर्थेड है, जितनी रिसर्च की है, जितना बारे में पढ़ा है, तस्वीरें देखी हैं, तो बस एक्साइटेड है। अब दिखाते हैं आपको अंदर लेके चल के। एक चीज़ बस मैं और मेंशन करता चलूँ कि यहाँ फोटोग्राफी अभी सिर्फ फ़ोन से अलाउड है, और ये शायद मैं GoPro यूज़ कर रहा हूँ यहाँ इजिप्ट में ज़्यादा इसीलिए, तो क्योंकि वो एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करते हैं अगर आप फोटोग्राफी बड़े कैमरे से कर रहे हैं या चीज़ें, क्योंकि उसका टिकट अलग से लेना पड़ता है, कभी कभार वो भी बंद हो जाती है, बैन हो जाती है, उसका भी टिकट अलग से लेना पड़ता है। तो मैंने कहा ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन आप लोगों से भी शेयर करें। सो टेम्पल में एंटर हो चुके हैं। ये अबू हजाज मस्जिद है, जो एक सूफी सेंट थे, ये उनकी मस्जिद है, लेकिन साथ ही साथ अब यहाँ से आप एंट्रेंस देख सकते हैं। तो ये जो हैं ये स्फिंक्स हैं, एंटर होते साथ ही इसमें जो सर है वो रैम का है, और बॉडी एक लाइन की, जैसा आपको पीछे पिरामिड के पास भी एक स्फिंक्स दिखाया था, लेकिन इसका स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है। तो एंटर होते साथ ही आपको ये पहले नज़र आता है, ये आप करीब से स्फिंक्स देख सकते हैं। स्फिंक्स के बीच में ना आपने एक स्टैचू देखा होगा, वो रामसेस द 2 का वो स्टैचू है, जो इनके किंग थे। अभी आपको इस म्यूज़ियम में भी दिखाया था, जिस तरह का वो स्टाइल था तो वो बिल्कुल वही था, क्योंकि वो उसने बनाए हैं। अभी आपको आगे और अंदर लेके चलते हैं। अंदर की तरफ एक कॉलम की तरफ आए, तो अब आप इधर से ही आप ये पेंटिंग्स आर्ट वर्क देख सकते हैं, जो हमने पहले भी देखा था थोड़े कुछ जगहों पर, लेकिन यहाँ जो है ना जिस तरह वो प्रिजर्व हुआ हुआ और जो उसका स्टाइल है, अगर आप करीब से वो देखें तो बड़ा खूबसूरत, बड़ा ज़बरदस्त, काफ़ी प्रिजर्व हुआ हुआ, ये हो सकता है पहले कलर्ड हो, काफ़ी ओवर टाइम कलर मिट गया है, लेकिन अभी भी आप पेंटिंग से थोड़ी सेंस बना सकते हैं कि हो क्या रहा है, किस तरह की चीज़ें, इनकी गॉड्स और इन सब की ही फ़ोटोज़ हैं। अब जहाँ मैं आप लोगों को लेके जा रहा हूँ उसको फर्स्ट पायलन कहते हैं, ये नेक्टानिप वो 1 ने बनाया था, और फिर साथ ही साथ ये पीछे की तरफ एक ग्रेट कोट है। ये पूरा एक ओपन एयर म्यूज़ियम ही समझें। ये आपको एक ऐसे स्टेयर्स तो नहीं लगेंगे दूर से, लेकिन अगर आप करीब से देखेंगे एक रैम सा था जिसको यूज़ करके उन्होंने बिल्ड किया था। कहते हैं पिरामिड्स को भी इसी तरह बिल्ड किया गया था कि एक के बाद एक पत्थर रखे ताकि ऊपर तक उस पहुंचा जाए। तो आप लोगों को पूरा एरिया दिखाया है, ये रामसेस द 2 ने बनाया है, ये उनका स्टैचू है, तो ये उसकी डॉटर को नीचे यहाँ छोटे उसमें स्टैचू में ये दिखाया गया है, ये पूरा ग्रेट फोर्ट है ये उसी ने बनाया है। ये अब हम एक बड़े खूबसूरत एरिया में एंटर हो गए हैं, जहाँ आपको ये बड़े बड़े कॉलम्स नज़र आ रहे हैं, इसको कहते हैं ग्रेट हिपोस्टाइल हॉल, और ये सेटी 1 ने स्टार्ट किया था, रामसेस 2 ने कंप्लीट किया था, और ये तकरीबन 50,000 स्क्वायर फुट एरिया कवर करता है। इसमें जब भी कुछ पेंटिंग्स ऐसी हैं जिस पे कलर है, और ये इतने ऊँचे हैं, ये 134 जाइजेंटिक कॉलम्स हैं, बड़े बड़े कॉलम्स। और ये 21 मीटर की हाइट पे हैं ये कॉलम्स। कहते हैं कि जो ऊपर जो आप स्लैब देख सकते हैं इस तरफ, ये 70 टन का सिर्फ एक स्लैब है। थोड़ी सी और चीज़ें दिखाऊं, अब हम हाइपोस्टाइल हॉल से निकले तो ये ऑबेलिस्क ऑफ थटमोस 1 है,
से आप देख सकते हैं। अच्छा, इन पे भी कार्विंग्स हुई हैं, ये भी इनकी रिमेम्बरेंस के लिए बनाए जाते हैं। तकरीबन 22 मीटर लंबे हैं वो जो मैंने आपको पीछे दिखाया था। अच्छा, ये वाला जो है ये उससे भी ज़्यादा लंबा है, ये है तकरीबन 29 मीटर टॉल और ये हार्डशिप का है। आर्मो कंपनों से नहीं है लेकिन ये उसका है जो क्वीन की। हम कल टेम्पल की तरफ जाएंगे तो आपको वो भी दिखाएंगे। मुझे अभी मैंने आपको क्वीन हार्शिप के बारे में बताया था, जो मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ पता चली है वो ये कि शी वॉज अ क्रो रूलर एक्चुअली विद टटमोस थर्ड। तो शी हरसेल्फ, उसने अपने आप को फेरो बनाया, फिरौन बनाया, जो किंग होते थे उस जमाने में। और टटमोस थ्री जो था, जब वो क्वीन हार्शिप मर गई तो फिर उसने उसकी जो ऑबेलिस्क, मैंने आपको पीछे की तरफ जो आप देख सकते हैं जो बनाया था, इसके आसपास एक दीवार बनाई हुई है। ये नहीं समझ में आया उसने तोड़ा क्यों नहीं, लेकिन उसने एक दीवार बनाई हुई है। और उसने बहुत कोशिश की कि उसका नाम पूरी हिस्ट्री से मिटा दे, जितना वो मिटा सकता था उसने उस वक्त मिटा दिया। अब जब सारी ये चीज़ें एक्सकवेट हुई, सारी निकली, तो उसके बारे में बाद में पता चला। अच्छा, ये जो मैं आप लोगों को क्वीन हार्शिपस का वो ऑबेलिस्क के बारे में बता रहा था, ये जो बड़ा सा टावर आप देख सकते हैं, ये जो इसके आसपास आप ये जो पत्थर देख सकते हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं। यहाँ इसने वही जो मैं आपको बताया था छुपाने के लिए इसका, कि जितना तक छुपा सकता था उसने छुपाने की कोशिश की। जी, किंग टूटनखामन का स्टैचू देख सकते हैं यहाँ। अच्छा, इसको वापस लगाया गया था डिफरेंट डिफरेंट टुकड़े लेके और फिर साइजिंग करके। इस तरफ आप और पेंटिंग चीज़ें देख सकते हैं। ये उस ज़माने की काउंटिंग की, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जिस तरह मैंने देखा है कुछ वीडियोस में चीज़ों में, अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। आप ये स्ट्रक्चर यार अभी देख सकते हैं। अच्छा, इस तरफ थोड़े और डिफरेंट कलर जब मैंने कहा वो भी आप लोगों को दिखाते चलें। ये हम अगर ग्रेट फेस्टिवल हॉल ऑफ थटमोस द थर्ड के उसमें आए हैं, ये 32 स्क्वायर पिलर्स से सपोर्टेड है। और ये जो अंदर जो है, ये जो आप देख सकते हैं, ये टेंट पोल स्टाइल है जिससे ये इसको सपोर्ट किया गया है। हमारी आप पिलर से कलर चेक करें यार, क्रेजी, मज़ा आ गया भाई। आप उस हॉल का एक और हिस्सा देख सकते हैं, यहाँ चार कॉलम आपको और नज़र आ रहे होंगे जो हम पीछे बिल्डिंग से होते हुए आए। ये आप कहीं आगे की तरफ जो निकल रहे हैं, अच्छा इसका नाम है सेवन पाइलॉन, जहाँ हम जा रहे हैं। ये टेंपल ऑफ रामसेस III आप देख सकते हैं, यहाँ काफ़ी कॉलम्स हैं, काफ़ी पेंटिंग्स हैं, काफ़ी इंटैक्ट हैं पेंटिंग्स की, जो आर्ट वर्क जो भी, मैं जब से पेंटिंग्स कह रहा हूँ, आई एम नॉट श्योर इफ आई एम यूजिंग द राइट टर्म, स्टोन कार्विंग्स चीज़ें हैं। ये आगे की तरफ आप और स्टैचूज उनके रिमेन्स देख सकते हैं। अंदर चले जाएं, ये देखो, यहाँ कहते हैं कि इधर काफ़ी इनको जो चीज़ें जब खुदाई हुई तो काफ़ी चीज़ें इस वाले सेक्शन में से मिली थी। इस जगह का जो नाम है वो है सेवन पाइलॉन। ये जो है आप जो उधर इधर एक बड़ी सी स्कल्पचर बना हुआ है, उसमें थटमोस जो थर्ड जो है वो अपने एनिमीज़ को हरा रहा है। और ये जो दो डैमेज स्टैचूज आपको नज़र आ रहे हैं, ये इसकी एंट्रेंस पे हैं। और इस कोर्टयार्ड को जो है ये लोग कहते हैं कशेट।
पहुंचा और इस एरिया में काफ़ी इन्हें चीज़ें मिली थी, काफ़ी स्टैचूज मिले थे, तो कहते हैं कि ये शायद वर्शिपिंग का एरिया था, तो लोग अपनी ऑफरिंग चीज़ें जो गॉड्स को और उनको जो रख के जाते थे वो इस तरफ ज़्यादातर मिली हैं। मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को थोड़ा करीब लेके जाऊँ ताकि आप लोगों को ये बड़ी मैग्निफिसेंट किस्म की जो आर्टवर्क है ये नज़र आए। ये थोड़े आप और दो बड़े स्टैचूज देख सकते हैं जो किंग थटमोसिस के होंगे क्योंकि ये उसका कोर्टयार्ड है, और ये इस तरफ एक स्टैचू टूट चुका है। उफ, मज़ा आ गया शायद इस जगह का। ये अब आखिरी पार्ट है अम्नकार्नक टेंपल का, इसका नाम है सेक्रेड लेक, और ये थटमोसिस थर्ड ने बनाई थी और ये प्योरिफिकेशन सेरेमनी के लिए यूज़ होती थी जिनके उस ज़माने के प्रीस्ट होते थे। ये पूरा टेंपल था जो मैंने आपको दिखाया, होपफुली आप लोगों ने बड़ा इन्जॉय किया हो, मज़ा आया हो, मैंने बड़ा इन्जॉय किया। मुझे पता है कैमरे में शायद इतनी चीज़ें कैप्चर ना हो सकी हों, लेकिन जितनी हो सकती थी मैंने आप लोगों को दिखाने की कोशिश की, और जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे पढ़ के चीज़ों के बारे में रिसर्च करके पता चली वो मैंने आप लोगों को देने की कोशिश करी। अगर आप लोगों ने इसको विज़िट किया हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में ऐड करें अगर कोई चीज़ मैंने मिस कर दी हो, गलत बता दी हो। कोई टेम्पल से लग्जोर में जहाँ लेके चलेंगे उसके बारे में बताते चाहेंगे और डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स के टेम्पल विज़िट करेंगे, लेकिन यार बड़ी खूबसूरत जगह है, सही में इसको ओपन एयर म्यूज़ियम कहते हैं। अच्छा, ये हमारा एक्चुअली एक सेक्शन रह गया था, मैंने पिछले उसमें बोला तो लास्ट सेक्शन है, ये शुरू में है लेकिन ये दूसरी साइड पे था, तो हमने सोचा था हम वापसी में एक्सप्लोर करेंगे। कार्निक टेम्पल का टूर इंजॉय किया हो। अब मगरिब का वक्त हो रहा है तो हम रिवर नील के कॉर्निश पे आए हैं ताकि यहाँ थोड़ा रिलैक्स कर सकें। कॉर्निश अल नील यहाँ कहते हैं, कॉर्निश अरबी में ऐसे पानी वाली जगह को कहते हैं। आप ज़्यादातर लोग, आप लोगों को पता होगा, ये मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ थोड़ा सनसेट। अभी हमने यहाँ किसी फ्लूका राइड, फ्लूका जो है वो सेल बोट्स को कहते हैं, मैं आपको थोड़ा करीब जाके दिखाता हूँ। तो जो सेल बोट्स चल रही हैं उनको कहते हैं, तो इसकी हमने अभी किसी एक कैप्टन से डील की है, उसका नाम है कैप्टन अली। वो हमें कल 200 इजिप्शियन पाउंड तकरीबन बनते हैं $10-12 उसमें डील हुई है कि वो सनसेट पे हमें टूर देंगे एक घंटे का, तो फिर आपको दिखाते हैं व्यूज़ सामने। अगर मैं आगे और चलता रहूँ मैं आपको दिखाता हूँ, तो आगे लग्जोर टेंपल भी आता है। अभी हम बस थोड़ा लाइटों का वेट कर रहे हैं, यहाँ क्रिसमस की भी काफ़ी डेकोरेशन हुई हुई है, तो वो दिखाते हैं। तो मैं आपको थोड़े व्यूज़ दिखाता हूँ कॉर्निश के। अच्छा, यहाँ ना घोड़ों की राइड बहुत लोग बेच रहे होते हैं और बहुत तंग भी करते हैं। जिस साइड में हम लग्जोर की रुके हुए हैं जो ईस्ट बैंक कहते हैं, उस तरफ होटल्स काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो यहाँ वो आपको टूरिस्ट के बाद बहुत लोग आते हैं अपनी हॉर्स राइड, बोट राइड, टैक्सी वाले, मतलब काफ़ी हद तक तंग करते हैं। लेकिन ऑब्वियसली आप बस लास्ट शुक्रन बोल के, मतलब नो थैंक यू बोल के आगे चलते जाएं, आपको शायद 5-6 दफ़ा बोलना पड़े उसके बाद वो समझते हैं। लेकिन कुछ लोग मज़ेदार भी होते हैं, उसमें हंसी मजाक भी हो जाता है, लेकिन साथ साथ थोड़ा बहुत तंग करते हैं। ये अब आप आगे जो देख सकते हैं ये अब लग्जोर टेंपल है, रात तक खुला होता है, लेकिन ये काफ़ी छोटा है कार्नक टेंपल से अगर हम इसको कंपेयर करें। इंशाल्लाह कल यहाँ आने का इरादा है तो कल आपको ये दिखाएंगे। होपफुली आज का लग्जोर डे वन टूर आपने इंजॉय किया। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।